कि इन्होंने कहा कि हम अभी एक नया शगुफा छोड़ते हैं और हम कहते हैं कि हिंदुत्व को अगर बचाना है तो मुसलमान को हर जगह जहाँ भी वो ठेला लगा रहा है, जहाँ से कांवड़िए गुजर रहे हैं वहाँ अपना नाम लिखना पड़ेगा। और ये कहाँ से शुरुआत करी? मुजफ्फरनगर से। आज इस तमाम हिंदुत्व जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के पास से खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो हमारा ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। अब आप अपने ही होटल में, हिंदू भाई अपने ही होटल में प्याज का तड़का नहीं मार सकते, क्योंकि ये भड़के हुए हिंदुत्व के ठेकेदार, ये तमाम आतंकवादी गुरु के गुंडे जो हैं, ये आकर तोड़फोड़ करेंगे और शासन प्रशासन की नाक के नीचे और उनकी सपोर्ट से करेंगे। मुसलमान कपड़ों से पहचाना जाता है। आपको याद होगा मोदी जी ने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था, उस पर विवाद हुआ था, लेकिन अब योगी सरकार इससे आगे बढ़कर, दो चार कदम आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि अब मुसलमान सिर्फ कपड़ों से नहीं बल्कि उनकी दुकानों के सामने, उनके ठेलों के सामने, उनकी रेहड़ियों के सामने अब नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कासिम शाहिद, आप देख रहे हैं एकेडमिक स्टेशन। सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और आपको जैसा मालूम है कि इस महीने में कांवड़ यात्रा निकालते हैं और बहुत जोश व खरोश से ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी त्यौहार के दौरान हमेशा कुछ न कुछ विवाद होता है, तो इस दफ़ा जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में ये पुलिस ने फरमान जारी किया है योगी सरकार की तरफ से कि जो भी वहाँ पर दुकानें रास्ते पर हैं तो उन रास्तों में जितनी दुकानें आएंगी या ठेले वाले जो भी, या फ्रूट्स वाले हों या कोई और चीज़ बेचते हों, उन सब के सामने उनका नेम प्लेट होना ज़रूरी है। कई होटल है तो होटल के सामने नेम प्लेट होना ज़रूरी है। अगर आप कोई फ्रूट बेच रहे हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं या कुछ भी आप बेच रहे हैं तो उसके सामने नेम प्लेट का होना ज़रूरी है। इस पर काफ़ी विवाद छिड़ गया है। इसी बात को लेकर अमन रिजवी जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इस बारे में क्या कह रही हैं, इस मुद्दे को उठाती हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं हर मुद्दे को बखूबी वो बोलती हैं, बेबाक तरीके से बोलती हैं। तो हमारे साथ अमन रिजवी जी हैं, उनसे सुनते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। यात्रा को लेकर तरह तरह की तैयारी चल रही हैं और प्रशासन इस तरीके की बातें कर रहा है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, होटल वाले हैं, उन्हें अपना नेम प्लेट लगाना होगा ताकि पहचान हो सके कौन से धर्म से हैं वो लोग। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पे ना इतराओ आईना हमारा है, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। तो ये जो एक नया फंडा निकल कर आया है, कांवड़िए कांवड़िए मुसलमान और एक तरह से नेम प्लेट, तो ये सारा का सारा ना आपने भी देखा अगर आपको याद हो कि जिस तरह महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ नरसंहार करा गया और उसको दबा दिया गया, बाबरी मस्जिद 2 बनाने की कोशिश करी गई, राजा मस्जिद को शहीद करा गया, एतराफ में जितने मुसलमान कॉलोनी था सबको उजाड़ दिया गया, सामान लूट लिया गया, मकानों को तोड़ दिया गया, उनके तमाम गाड़ियों को, उनके फ्रिजों को, उनके घर की तमाम जरूरत की चीज़ों को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप लोगों तक तो ये वाली बात पहुंची नहीं, लेकिन ये वाला मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा था, बीबीसी लंदन तक में इसकी न्यूज चल रही थी। अब आनंद फानन ने इस मुद्दे को दबाना था तो इन बेवकूफों के सरदारों ने एक आईटी सेल बिठाया। मुझे तो मालूम ही नहीं बीजेपी की आईटी सेल में कौन बेवकूफ बैठे हुए, कि इन्होंने कहा कि हम अभी एक नया शगुफा छोड़ते हैं और हम कहते हैं कि हिंदुत्व को अगर बचाना है तो मुसलमान को हर जगह जहां भी वो ठेला लगा रहा है, जहां से कांवड़िए गुजर रहे हैं वहां अपना नाम लिखना पड़ेगा। और ये कहां से शुरुआत करी? मुजफ्फरनगर से। अबे बेवकूफों, अबे जाहिलो, मुजफ्फरनगर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी मुसलमान ठेला लगाते हैं, रेड़ी लगाते हैं, उन तो खुद ही पहचाने जाते हैं, या तो वो लुंगी में नजर आएंगे, या वो टोपी में नजर आएंगे, या कुर्ते पजामे में नजर आएंगे, या वो दाढ़ी में नजर आएंगे, वो शेरवानी पहनकर या कोट पैंट पहनकर तो नहीं बेचते ना मुसलमान, या अगर होगा तो वो अपनी लैंग्वेज से पकड़ा जाएंगे। यानी मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का वो पहचाना जाता है, वो अपनी पहचान नहीं छुपाता है। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर दो दो बार भक्तों को बेवकूफ बनाया गया। एक बार तो लॉलीपॉप पकड़ा दी इनकी कि देखो हम तुम्हें हिंदू काउंट कर रहे हैं, जबकि वो हिंदू नहीं है, जिनसे कांवड़ उठाया जाता है। आप देखो जितने भी कांवड़ उठाते हैं, ना तो वो पंडित उठा रहे हैं, ना वो ब्राह्मण उठा रहे हैं, ना वो अच्छी जो ठाकुर है वो नहीं उठाते, सारे कांवड़ जो उठाते हैं ये सारे शेड्यूल कास्ट वाले उठाते हैं। अब ये कांवड़ भी लेकर आ रहे हैं, अब जब जहां जहां से इनका कांवड़ चलता है
आपने ज्यादातर देखा कि ये लोग ज्यादातर नशा इस्तेमाल करते हैं, गांजा इस्तेमाल करते हैं, जहां मस्जिद होती है वहां पर इनको खास हुक्म दिया जाता है। हिंदुत्व के ठेकेदार कहते हैं कि जहां मस्जिद हो वहां तुम चिल्लम चोरी करना, डीजे बचाकर यहां नंगा नाचना। अब इनसे कहा गया है कि तुम्हें मुसलमानों की भी मॉब लिंचिंग करनी है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा जो जो फल वाला ठेली वाला पड़ेगा हम उसके नाम लिखवा देंगे कि ये आरिफ का ठेला है, या दुल्ला का ठेला, या मन्नान जी का ठेला, या फरमान जी का ठेला। तो अब तुम बस उनको देखते रहना और उनको मारते रहना। आपने कभी हसन देखा किसी कावड़िए के पास देखा कि वो शॉपिंग कर कर आ रहा है, कि उसके हाथ में थैले हैं? कभी देखा? वो तो खाली कावड़ उठा के चलता है। जितने भी कावड़ हैं वो फ्री फंड में खाना खाते हैं, उनके बाकायदा कैंप लगाए जाते हैं, जगह जगह उनके स्टॉल लगाए जाते हैं, और 1 किलोमीटर दूर बाद उनका बहुत बड़ा सा एक स्टॉल लगाया जाता है जहां इनको फ्री में खाना मिलता है, फ्री में जूस मिलता है, और फ्री में ये वहां पर विश्राम करते हैं, वहां पर अपना कावड़ एक तरह से एहतियात से रख देते हैं। जब कावड़ अपने पैसे से खाता ही नहीं है, जब कावड़ शॉपिंग करता ही नहीं है, ना इसके हाथ में कोई थैला होता, तो वो कौन से ठेले वाले जहां से कावड़ जो है सामान खरीदेंगे? तो यहां बेवकूफ बनाया गया है मुसलमानों को, बेवकूफ बनाया गया उन भक्तों को जो ताली बजा रहे मुल्लों की दुकानें बंद कर दी। और मुसलमान इतना भिकमंगा तो है नहीं कि मुसलमान जो है अपना ठेले वहीं लगाएगा। भाई जब मुसलमान को पता है कि उसको धर्म के आधार पर मारा जा रहा है, उसको उसकी शनाख्त के आधार पर मारा जा रहा है, तो मुसलमान नहीं लगाएगा वहां पर ठेला, नहीं लगाएगा उन रास्तों में ठेले। और अगर आपको पता हो हसन, अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि ज्यादातर मुसलमान सेकुलरिज्म के नाम पर कावड़ियों की अवभगत करते हैं, उनपे फूल बरसाते हैं, उनको एहतमाम करके उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको रास्ते में खिलाना पिलाना सब रहता है। और इसमें सबसे जबरदस्त फूल भी बरसाते हैं, जूस शरबत भी बरसाते हैं, शरबत भी पिलाते हैं, खाने भी खिलाते हैं, उनका इस्तकबाल भी करते हैं, अपने घरों में अपने जो उनके रोड पे घर होते हैं वहाँ पूरे पंडाल भी लगाते हैं। और इसमें अगर नाम लिखा जाएगा सबसे ज्यादा सारे फहरिस्त वो चौधरी मतीन साहब का लिखा जाएगा, जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं और जाफराबाद में। हमें याद है क्योंकि मैं खुद उस तरफ की बेटी हूँ, यमुना विहार की बेटी हूँ, तो हमें याद है बचपन में हम देखते थे कि वो चौधरी मतीन साहब वहाँ पर एक टेंट वाला स्कूल है, वहां पर पूरा का पूरा एक तंबू लगाते थे और देसी घी गिलास में पिलाते थे उनको, फल खिला रहे, खाना खिला रहे। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि चौधरी मतीन साहब ने किसी हाजी के लिए या हाजियों के लिए कोई कैंप लगाया, कुछ लगा, मतलब सिर्फ इन्होंने उन्हीं लोगों को खुश करा। और उसका इनाम ये मिल रहा है कि आज इस तमाम हिंदुत्व जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के पास से खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो हमारा ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। और इसकी कड़ी में एक नाम जुड़ गया कि आज ही मुजफ्फरनगर में, अभी कावड़ नहीं शुरू हुआ, अभी कावड़ आने की तैयारी है, 22 तारीख से शुरू होंगे कावड़। आज ही वहां पर एक मेरे हिंदू भाई की दुकान थी, उस दुकान को इन लोगों ने तोड़ फोड़ कर दिया। कि उसका जुर्म क्या था? उसने लहसुन का प्याज का तड़का मारा था। यानी अब आप अपने ही होटल में, हिंदू भाई अपने ही होटल में प्याज का तड़का नहीं मार सकते, क्योंकि ये भड़के हुए हिंदुत्व के ठेकेदार, ये तमाम आतंकवादी गुरु के गुंडे जो हैं, ये आकर तोड़फोड़ करेंगे और शासन प्रशासन की नाक के नीचे और उनकी सपोर्ट से करेंगे। लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो जिस तरह आपने देखा होगा एक बयान दिया गया था कपड़ों से पहचानो, तो क्या वो फेल हो गया जो अब नाम से पहचाना जाएगा? कपड़ों, मैंने कहा ना कि नाम का सिर्फ ड्रामा है हसन, इसके पीछे जो बहुत बड़ी लॉजिक है वहां तक जाना बहुत कम लोगों के मतलब ये कहिए बस की बात है। अभी आपको अगर याद हो कि बिहार से एक नीतीश कुमार ने एक नया एक शगुफा छोड़ा था और कहा था कि जातीय जनगणना करी जाएगी। उन्होंने जातीय जनगणना करी थी कि हिंदुस्तान में सरदार कितने हैं, तो मुसलमान कितने हैं, तो दलित कितने हैं। बिहार में करा था ना कि पूरे हिंदुस्तान में मतलब इस तरह का एक नरेटिव से सेट हो जाता कि वहां पर कितने लोग पाए जाते हैं। अब इसके बाद तमाम पार्टियां जो फड़फड़ा गई थी कि नीतीश कुमार ने ये क्या करा, नीतीश कुमार क्यों बता रहे कि देश में किसकी जनगणना कितनी है। अब ये जो लोग हैं, ये जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, जो नफरत के ठेकेदार हैं, जिनका पहला ही बिजनेस ये है कि मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करनी है और दलितों की भी करनी है, इनको भी मारना। अब ये मुसलमानों को तो पहचान लेते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, बुरखे से पहचान लेते हैं, और टोपी से पहचान लेते हैं, कुर्ते पजामे से पहचान। अब ये दलितों को कैसे पहचाने, इनको किस तरह पहचाने? ये जो जितने भी बिल्कुल निचली कास्ट के आते हैं, जो हरिजन टाइप है, हरिजन वगैरह, जिनको मंदिर में नहीं घुसने देते, तो अब इनको कैसे पहचाने? इनकी पहचान को जाहिर करने के लिए इन्होंने कहा कि तमाम ठेले वाले अपने नाम लिखेंगे। भाई मुसलमान तो वैसे पहचाना जा रहा है, कुर्ते में है, पजामे में है, टोपी में है, लुंगी में, अखलाक उसका ऐसा है कि वो तो बोलने से पता चल जाता है वो मुसलमान है। अब इन लोगों को पहचानने के लिए, यानी मनुस्मृति लागू करने के लिए, कि हर बंदा लिखेगा कि मैं यारी कोटी का हूं, मैं सवाले का हूं, तो उनको
पहचानने के बाद कुछ दिन बाद ये एक और ऑर्डर लेकर आएंगे कि आप अपनी जाति भी लिखें कि तुम किस जाति से आते हो, ताकि जितनी जल्दी हो सकता है मनुस्मृति लागू और फिर इनकी ऐसी की तैसी मारी जाए, वही इनका हाल करा जाए जो पहले करा जाता था जब मनुस्मृति थी यहाँ पर, इनको किस तरह समाज से बहिष्कार करा गया था, किस तरह दलितों की औरतों को अपने स्तन ढकने नहीं दिया जाते थे, किस तरह इनके पिछवाड़ों में झाड़ू बांध दी जाती थी जो रगड़ती चलती और इनके गलों में मटका डाल दिया जाता था कि तुम सड़क पर थूक भी नहीं सकते। तो जो लोग ये वाली बात सोच के खुश हो रहे हैं कि मुल्लों का पेंच टाइट हो रहा है, तो यहाँ मुल्लों का पेंच टाइट नहीं हो रहा। आप इसको समझिए कि ये क्या हरकत है। और अगर मुल्लों का पेस्ट टाइट हो रहा था, आप खुद सोचो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान जो आम बोते हैं वो मुसलमान बोते हैं, तो क्या इन्होंने लिखा कि मुसलमानों के आम मत खाना। और हाँ भाई, वहां दूर क्यों जा रहे हो, अभी अंबानी की शादी हुई, अंबानी की शादी में कितने मुसलमान लड़के गए हैं, कुछ वेटर बन के गए हैं, कुछ खाना बनाने गए, तो वहां तो दिग्गज हिंदुत्व का पूरा जमावड़ा था। वहां तो उन्होंने नहीं अंबानी से पूछा कि भाई तूने आधार कार्ड दे के खाना बनवाया था, कितने वहां पर वेज डिश थी, नॉन वेज डिश थी, तो वहां तो नहीं पूछा था कि मुर्गे क्यों खिलाए जा रहे थे। तो ये एक तरह का बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर वाकई मुसलमानों को इन्होंने आइडेंटिटी दिखानी है, तो ये जो हुल्लड़ काटता हुआ एक गैंग आता है और आतंक पीटता हुआ एक गैंग आता है, जिस गाड़ी में वो आता है, तो तुम्हारे बाप जो है ना सऊदी अरब वाले मुल्ले मुसलमान, वो वहीं से पेट्रोल आता है, जब वो पेट्रोल भेजते ना तब तुम्हारी ये गाड़ियां चलती हैं। और जो तुम कह रहे मुसलमान अगर तुम्हें टच करेगा तो तुम क्या नाम पवित्र नहीं रहोगे, तो मुसलमान से पवित्र तो कोई चीज है ही नहीं। मुसलमान तो न मूत पीता है न गोबर खाता है, तो मुसलमान की तो खैर बात ही मत करो। मुसलमान तो एक ऐसी कम्युनिटी है कि जहां पर मूतने के लिए भी बैठना आया कि आप अगर पेशाब भी कर रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, तो बैठ कर करिए ताकि वो गंदी छींटे आपके पैरों पर ना आए। तुम तो खुद ही पेशाब पीने वाले हो, तो यहाँ पर ये वाला मसला तो है नहीं कि धर्म अपवित्र होगा, यहाँ पर सिर्फ वही मसला है कि ये पूरा मनुस्मृति लागू करने की तैयारी है। लेकिन आपने देखा होगा कि भाजपा नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, ये विभाजनकारी है, मतलब लोगों को बांटती है। वहीं राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने भी कहा है कि हम एक दंगा झेल चुके हैं मुजफ्फरनगर में, अब दोबारा ऐसी कोई हरकत हम नहीं चाहते हो, और उन्होंने इसका विरोध किया। लोग विरोध कर रहे हैं, इनकी जो अलायंस पार्टियां वो विरोध कर रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि इनकी ये तो एक आतंकी फरमान एकदम से लागू कर देते हैं कि हम नाम देखेंगे तो हम ये देखेंगे, तो हम कावड़ ये देखेंगे, तो हम वो देखेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि सारा का सारा जो मसला है ना, सिर्फ देश को विभाजित करना है और देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, अभी आप देखिए कि एक से डेढ़ महीने के अंदर कम से कम 40 से 45 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। अभी मैंने कहा महाराष्ट्र में जिस तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को शहीद करा जा रहा है, वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका, उनको दबा। दूसरी तरफ आपने देखा कि वो 40-50 कुली की जॉब निकली थी, 25-30,000 लोग पहुंच गए गुजरात में। मतलब इस तरफ ये हर जगह से टारगेट हो रहे हैं, हर पॉइंट पे अगर ये जलील हो रहे हैं, तो इनका जो फेवरेट एक हिंदुत्व का वो है, और मेरे ख्याल से हिंदुत्व का इनका एक ऐसा नारा है कि इसको जो है ये आराम से एक उसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाता था कि एक ऐसी पार्टी जो खाली हिंदुत्व में चल रही थी, जिसको ना खाने की तमीज थी ना पीने की तमीज थी, जिसको सिर्फ मुसलमान ढोए पे रहे थे। अरे मुसलमान मुसलमान करते, मुसलमान वो कौम है जिसने तुम्हें खाने की तमीज सिखाई, मुसलमान कौम वो है जिसने तुम्हें पहनने की तमीज सिखाई, मुसलमान वो कौम है जिसने तुम्हें बोलने की सभ्यता सिखाई। तुम मुसलमान का मुकाबला क्या करोगे? हाँ, तुम सिर्फ एक काम के लिए मशहूर हो सकते हो कि दुनिया में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा इतिहास जरूर लिखा जाएगा कि भारत एक ऐसा मुल्क था जहां पर 10 साल कुछ ऐसे लोग हुकूमत करके गए थे जो सिर्फ मॉब लिंचिंग करते थे, हिंदुत्व का नारा देते थे, किसी भी मुसलमान को मार देते थे। तो इनका तो पसंदीदा गेम है कि मुसलमानों को पकड़ो, मॉब लिंचिंग कर दो, किसी मुसलमान औरत को देखो तो मुल्ली कठवी बना दो, मतलब हर जगह इनको मुसलमान 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 हलाला हिजाब कर। इन सब चीजों से लगता क्या है कि राजनीति हो रही है, विभाजन हो रहा है, या जो अभी लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उनकी सजा दी जा रही है, नहीं, या नहीं, उन उस तबके का आर्थिक बहिष्कार हो रहा है? देखिए मुसलमानों का तो आर्थिक बहिष्कार शुरू से हुआ है। आप बताइए कि हिंदुस्तान में 98% फौज में जो मेरे हिंदू भाई हैं, दूसरे समाज से मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान के ज्यादातर गवर्नर सारे के सारे मुसलमान है, खाली एक को छोड़ के उनका भी हमें नहीं पता, वो आसिम मोहम्मद खान मुसलमान है कि आया कि वो मजहब से बाहर हो गए। हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट है, तमाम स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर है, वो सारे के सारे मेरे नॉन मुस्लिम है। तो मुसलमान का तो आर्थिक बहिष्कार पहले ही से हुआ हुआ है। हाँ, तुम्हारा बहिष्कार हो जाएगा अगर मुसलमान भाई ने किसी ने भी
तुम्हारा पंक्चर लगाना बंद कर दिया तो फिर तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी अगर पंक्चर होगी तो कहाँ जाओगे? और दूसरी बात ये, आप देखिए कितनी सारी कंपनियां मुसलमानों की हैं, विप्रो कंपनी है, अजीज जी प्रेम जी हैं, कितने सारे मुसलमान बड़े बड़े लोग हैं जो दवाएं बनाते हैं, और क्या इन ये जो जितने भी कावड़ उठाकर लेकर आ रहे हैं इनके गले में तुम तख्तियां डालोगे कि अपने नाम लिखो, अपनी उम्र लिखो, अपना ब्लड ग्रुप लिखो, अगर तुम्हें बाई चांस कुछ चोट लगती है तो तुम्हारे ही धर्म के किसी आदमी को पकड़ के लाया जाए जो तुम्हें खून दे दे, तुम्हारे ही धर्म के किसी डॉक्टर को बुलाया जाए जो तुम्हारा इलाज कर दे, ऐसा करा जाएगा? अगर करना तो इनके गले में तख्ते डालो ताकि मुसलमान इनको खून ना दे पाए, मुसलमान डॉक्टर इनका इलाज ना कर पाए, मुसलमान इनको कुछ खाना ना दे पाए, मुसलमान महल्लों से अगर तुम गुजर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है ना, तो वहां पर तुम्हें फौरन मुसलमान याद आएगा कि मुसलमान डॉक्टर चाहिए, या खून की बोतलों पर लिख दिया जाए कि ये खून किसी मुसलमान ने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा अभी भी देखे कि ब्लड बैंक में सबसे ज्यादा मुसलमान खून देते हैं, जगह जगह मुस्लिम कॉलोनियों में कैंप लगाए जाते हैं। तो क्या उन ब्लड बैंक वालों ने उन बॉटल्स में लिखा कि मुसलमान द्वारा खून दिया गया था? तो ये देश को तोड़ने की बात करी जा रही है, देश में नफरत फैलाने की बात करी जा रही है, लेकिन फैल नहीं रही है। वो अलग बात है कि फैला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा समझ चुका है कि उसके हित की क्या बात है और उसके खिलाफ क्या चल रहा है, सरकार क्या करे। सबको पता चल गया कि सरकार किस धारा पे चल रही है, हिंदुत्व के फर्जी वाड़े पे चल रही है, और ये सिर्फ देश को तोड़ना चाहती है, जोड़ना नहीं चाहती। जैसे कि हर तबके में कुछ गलत लोग होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, जैसे अभी आपने कहा कांवड़िए जो है वो भी बहुत सारा मतलब गलत हड़दंग मचाते हुए जाते हैं, लेकिन सारे तो गलत नहीं होते, कुछ कांवड़िए भी अच्छे होते हैं। नहीं, कांवड़िए अच्छे होते हैं जो गाड़ियों में अपने लेके जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जितने भी अपर क्लास हिंदू जब कांवड़ लेकर आते हैं वो ऐसे पैदल नहीं जाते सुटके उटके लगाते हुए गांजा चलाते हुए, वो अपनी गाड़ियों में जाते हैं, वो अपनी गाड़ी के ऊपर कांवड़ लक्कड़ लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं। लेकिन ये जितने भी स्लम्स एरिया के होते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता, ये 20-25 हजार खर्च करके जाते हैं, अपने आप को भी बर्बाद करते हैं, अपने घर को भी बर्बाद करते हैं, और नील बटा सन्नाटन की एजुकेशन होती है। आप मेरे साथ चलना कालकाजी, चलना यहाँ पर कालकाजी मंदिर पर आप जाकर देखना किस कदर हुड़दंग मचता है, किस कदर वाहियात यहाँ पर होता है, लड़का लड़की गंदे गंदे डांस कर रहे होता, नशे में टुन होते, उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें इंसानियत से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें भारत से कोई मतलब नहीं होता, बस वो दम मरो दम करके डीजे पे थिरक रहे होते। तो कौन सा धर्म है? जिस धर्म से आपके किसी को फायदा ना हो, दूसरे को नुकसान हो, आप खुद होश में ना हो जिस धर्म के लिए आप खड़े हो, तो वो धर्म नहीं कहलाता, वो खाली हुड़दंग कहलाता है। एक एक्टर है सोनू सूद, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि हर ठेले पे, हर रेहड़ी पर, हर होटल पर लिखना चाहिए इंसानियत की दुकान, या इंसानियत का ठेला, या इंसानियत का फल, इस टाइप से। और उसी के साथ जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो क्यों ना वो अच्छे लोग उसी होटल पे जाकर अच्छा सा खाना खाकर एक सेल्फी दें कि ये हमारे दूसरे धर्म के भाई हैं और ये हमारी सेवा कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं, आप हसन हैदर, आप पुरानी दिल्ली कितनी बार गए होंगे, आपने देखे कि पुरानी दिल्ली में जितनी भी नॉन वेज की दुकानें हैं, नॉन वेज की दुकानों में आपको ज्यादातर 90% मेरे हिंदू भाई खड़े नजर आएंगे। और मैं कितने इंटरव्यू में बोल चुकी कि आज हमारा जो मीट महंगा हुआ, हमारा चिकन महंगा हुआ, हमारी मछली महंगी हुई, वो सिर्फ इस वजह से हुई कि वो 20% लोगों के हिस्सा नहीं रही, वो 80% तक पहुंच चुकी। तो जो चीज 20% की थी तब वो सस्ती थी, अब जब वो 20% से निकल के 80% तक चली गई तो वो महंगी हो गई। आज हमारे कबाब, जो हमारा कबाब 10 रुपए का, 15 रुपए का आ सकता था, वो आज हम 70 का, 80 का, 100 रुपए का खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों ने वो चीज खानी शुरू कर दी। फ्राई खाते हैं, फिश खाते हैं, तमाम तरह के खाने खाते हैं, तमाम तरह के जो होटल है वहां चले। तो क्या ये तमाम हिंदू संगठन जो है उनको समझा पाएंगे? उन लोग सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सारे एलीट क्लास के लोग वहां पर खाने आते हैं, इनकी वहां नहीं सुनेंगे। लेकिन अब आप ये दूसरी तरफ देखिए, जितनी दूसरी कंपनियां हैं, मुसलमान कहीं ढाबे पे जा रहा है, शिवा ढाबा बहुत पॉपुलर है, क्या मुसलमान उस ढाबे की आइडेंटिटी देख के जाता है कि तो शिवा का फायदा हो जाएगा? तो मुसलमान तो नहीं देखता किसी का आधार कार्ड, मुसलमान तो नहीं देखता दुकान का नाम, मुसलमान तो नहीं कहता कि हमें तुम्हारे नाम से कोई प्रॉब्लम है, मुसलमान तो बिस्मिल्लाह पढ़ता हर जगह शुरू हो जाता है, उसको पता है कि अच्छा खाना है और ये बहुत अच्छी चेन चल रही तो हम यहाँ खा लेते हैं। तो ये वाली बात जो है ना कि इन लोगों को समझानी चाहिए, इन लोगों की काउंसलिंग की जरूरत है। सारे बेरोजगार लोग हैं जो कांवड़ उठाकर लेके जाते हैं, जो सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं, जो या फीम और गांजा गएंगे, सारे बेरोजगार लोग हैं, इनको रोजगार देना चाहिए। और जिनको साल में ये सरकार एक बार हिंदू काउंट कर दे कि तुम हिंदू है, जबकि इनको पूरे साल किसी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन तो अगर देखा जाए तो दूसरा धर्म मतलब जो मुस्लिम समाज है वो भी अगर एहतियात कर ले तो क्या बुराई है? हाँ, तो मैं तो खुद कह रही हूँ कि एहतियात करें। अरे छोड़े फूल बरसाना, छोड़े इनके लिए तंबू गाड़ना, तुम्हें मार मुड़ के निकल लेंगे। अरे जरूरी नहीं, जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं राजी हूँ, अल्लाह कह रहा है कि वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, मैं जिसको चाहूँ इज्जत दूंगा, जिसको चाहूँ जिल्लत दूंगा। तो तुम
कुछ दिन सब्र करो, मत लगाओ रास्ते में ठेले। जरूरी है अपना नाम लगाना, आरिफ हूँ तो खालिद हूँ तो ये हूँ, आप मत लगाओ ना। आप उस इलाके से जिस रूट से ये लोग हुड़दंग, ये जो गैंग गुजर रहा है जो तुम्हारी मॉब लिंच के लिए तैयार है, और तुम्हारी नेम प्लेट लगाई इसलिए गई है कि इनको कहा गया है, इन गुंडों को, हिंदुत्व के खुले गुंडों को कहा गया कि ये जितने भी नाम है इनकी मॉब लिंचिंग करते चलो, तो मत लगाओ ना। एक महीने जितने दिन भी इनका कावड़ चलता है, इनका ड्रामा चलता है, इनका हिंदुत्व का एक आतंकवाद, मत लगाओ। नहीं, लेकिन उस रास्ते से हटके भी तो लगाया जा सकता है ना, उसके एहतियात की बात करो। फूल बरसाने को मना नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो करना चाहिए, अच्छी बात है सारे धर्म। तुम फूल बरसाते रहो, वो तुम्हारे पे खून की होली खेलते रहे, वो तुम्हारे भाइयों को काट काट के मारते रहे, वो तुम्हें थूक गैंग कहते रहे, वो तुम्हें जिहादी गैंग कहते रहे, इस तरह नहीं होना चाहिए। अपने फूल मत बरसाओ यार, उन फूल के पैसों को किसी गरीब के घर में राशन भरवा दो। कितने गरीब लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, वहाँ मैं नहीं कह रही आप आधार कार्ड देखो, वहाँ मेरा चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे दलित भाई हो, कोई परेशान है तो वहाँ तक मदद पहुँचा। लेकिन ये सारे दिखावे बंद कर दो कि हम कावड़ियों पे फूल बरसाएंगे, कुछ नहीं होना का। ये नफरती गैंग है, इन पे कितने फूल बरसा लेना, ये तुम्हें बदले में नफरत ही देंगे। लेकिन ये भी तो नफरत का ही मैसेज जाएगा ना, जहाँ पे पहले फूल बरसते थे, शरबत मिलता था, वहाँ अगर ना मिले। मेरे भाई बता तो दे, ये तो कब से हो रहा है, इतनी मोहब्बत लुटाने के बाद भी मुसलमान अगर आज मॉब लिंचिंग की रडार पर आ गया, मुसलमान अपना नाम लिखने को, मतलब नाम लिखवा रहे हैं उसका, जबकि इनको पता है कि मुसलमान है, वो धोती से पता चल रहा है, वो टोपी से पता चल रहा है, वो कुर्ते से पता चल रहा है, वो दाढ़ी से पता चल रहा है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि नहीं तू अपना नाम लिख, कि तेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मोहम्मद फैजान है, हसन अहमद है, कुछ भी नाम लिख, तो क्यों लिखवा रहे हैं? तो जब आपको पता है कि आपके लिए आप कितना ही करो, ये लोग आपसे मोहब्बत कर ही नहीं सकते, तो आप अपनी मोहब्बत का दुकान को पैकअप करके दूसरे रोड पर ले जाओ, यहाँ से हट जाओ यार। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।